हाँ जी, हैप्पी संडे भाइयों। टूट गया हूँ मैं, अब मैं जाऊँगा जिम। सोच रहा हूँ मम्मी को लेके जाऊँगा कि नहीं। हमारा दूसरा जो घर है वो जिम के पास में ही है, तो फिर वहाँ पे थोड़ी सफाई वगैरह करनी थी। किराए पे चढ़ नहीं रहा, वो बहन का जो पुराने किराएदार थे उन्होंने गाड़ वाली घर की। थोड़ी सफाई करेंगे फिर देखेंगे, फिर चढ़ेगा भाई। तो अब उसके बाद देखते हैं, मेरी जो रात को वीडियो थी वो हो गई, शुक्र है रेंडर हो गई फाइनली। तो ठीक है, मैं अभी फटाफट कुछ खा पी लूँ और 2 बजे जिम के लिए निकलता हूँ। फिर आपके लिए, इंस्टाग्राम के लिए मेरे को वीडियोस बनानी है, अनफिट अच्छे वर्क, सब वो कर लो, फॉलो कर लो। तो नाश्ता करके पोहा वगैरह खा के अब निकल गया हूँ जिम के लिए वीडियो बनाने। पहले चाबी लूँगा साथ में, मम्मी को भी ले लिया। मम्मी वहाँ पे दूसरे घर में सफाई सफुई कर लेगी तब तक। और ये एक गिफ्ट है बेबी के लिए, हमारे किसी रिश्तेदार में उनका बच्चा हुआ है तो उनको गिफ्ट भी देना है। वैसे तो हम गलीच बंदे हैं, हमें कोई गिफ्ट विफ्ट देने का मन नहीं करता, लोग हमें दे तो अच्छा लगता है, पर लेकिन क्या करें, रिश्तेदारी निभानी तो करना पड़ता है सिस्टम। तो यार मम्मी को छोड़ दिया, अब बढ़िया मम्मी सफाई सफुई करेगी वहाँ पे, करवानी बनता तो मेरा भी था करवाना, पर लेकिन मेरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपको लेके, तो वीडियोज़ वगैरह बनानी है। तो अब मेरा दोस्त आ रहा है रोहित, ये आ गया चलता हुआ। तो रोहित आ रहा है, अब थोड़ी सी वीडियोज़ वगैरह बना के, आज फालतू नहीं बोलूँगा इसको बिल्कुल भी, आज भाईचारा काम है ना। रोहित हेलो बोल दे भाई। हाँ भाई, कैसे हो? बढ़िया भाई, तो बता। कुछ क्या कर रहा था, सो रहा था क्या? नहीं, कुछ नहीं कर रहा था। किस टाइम उठ गया था? मैं 8 बजे। मैं यार वो एकदम ही हवा एकदम निकली हुई थी इसकी ना, गाड़ी की पता नहीं मैं जो किसी ने निकाली थी या यार ये सुअर का बाल। मैं यहीं से रिवर्स ले लूँ क्या? ना ले ले, इधर आगे से रास्ता बंद तो नहीं है? अबे ऐसे नहीं वैसे पकड़ ले क्योंकि ब्लॉग बन रहा है ना। तो भाइयों अब मैं तुम्हारे लिए वर्कआउट की वीडियोस बना रहा हूँ और उसके बाद तुम्हें मिलता हूँ। अगर हम कुछ खाने पीने जाएंगे जो भी करेंगे मुठभेड़ मारेंगे तो तुम्हें वो दिखा दूंगा। अभी सीरियस होके हमें वर्कआउट की वीडियोस बनाए, तो फिर बाद में तुम बोलोगे भोसड़ी का लेगा, कुछ पता तो है नहीं, कुछ फायदा तो हो नहीं रहा इसको देखने से, इसीलिए अब तुम्हारा कुछ फायदा करवाता हूँ। बंद करते। तो भाई वो वीडियोस हो गया सारी कंप्लीट, पूरे हफ्ते का माल पानी एक दिन में चेक कर दिया। रोज रोज बनाता था वर्कआउट करते हुए, लोगों की गांड की लस्ती थी कि क्यूटी तो ना यार, कि भाई सब अपना वर्कआउट कर रहे होते थे उनको बोलता था तो उनकी किलस जाती थी। तो फटाफट मैंने संडे को एक दिन लिया, सारा पूरा हफ्ते का माल पानी एक ही दिन में चेक कर दिया। सो अब मैं फटाफट जा रहा हूँ, थोड़ा सा इसमें पेट्रोल पवाना है जट्टा ने, और तो थोड़ी सी गड्डी ची हवा पवानी है, देन उस तो बाद रोहित कुछ खाने चलना है। चलते भाई मैकडी चलते हैं, आंड पकौड़ी खाएंगे। वो KFC नहीं चलेंगे? मैं कल सुना KFC में वेज भी मिलता है, मैं तो वेजिटेरियन हूँ ना, तो फिर मैंने सुना कि वेज भी मिलता है, तो मैं कहा क्यों ना चलो ट्राई किया जाए। चलो यार 2 मिनट रुको भाई, अभी दोस्त का फोन आ गया था, पर लेकिन मैंने कहा कि दोस्त तू गांड मरा, पर लेकिन मेरे को लोगों को दिखाना है कि मैं 2000 रुपये का डीजल डलवाता हूँ, कोठी बंगले वाला हूँ ना मैं, शो ऑफ पूरा रुकना नहीं चाहिए। जूम कर दे साले को, जूम नहीं होता क्या? अबे देखा ये बढ़िया था, ये हो गया 400 400 500 500, ये हो गया हमारा 600 600, 2000 रुपये का डलवा रहा हूँ मैं पूरा, मेरे 2000 रुपये का राशन आता है महीने का, पर लेकिन मैं डीजल डलवा रहा हूँ। डायन खाए जाते है चल यार, वीडियो लंबी हो जाएगी, छोड़ो। वही कह रहा हूँ, भरोसा भाइयों तुम मेरे पे ट्रस्ट करो, मैंने अगर बोला फुल कराई तो मैंने फुल कराई। मैं अगर बोलूंगा कि मैं 50 रुपये का गाड़ी में पेट्रोल डला रहा हूँ तो तुम वो समझ लो कि मैं वो डलवा रहा हूँ, ठीक है? लव यू भाई, चला मुट्ठा मारो दिन भर। मैगडी आ गया भाई, मैकडोनल्ड मैगडी में वो खाएंगे बर्गर। छूतिया भैया बहुत खर्चा कर दिया, अब मैं किस्तें बनवा लिया, EMI बनवा लिया मैंने, अब धीरे धीरे किस्तें चुका कर रहूँगा मैगडी की हफ्ते बाद। कार्तिक आर्यन मील नाम ही रख दिया मील का।
वर्कआउट मारो फिर भर के मील दो तभी बनेगी बॉडी। अब मम्मी आप इतने खूबसूरत लग रहे हैं मेरे को तो कोई देखेगा ही नहीं। सल्लू भाई आजाद छोटे छोटे बाल छोटा छोटा मैं यार लंगर लग रहा है। अब कंफ्यूज हो गया मैं कि हम वहाँ फंक्शन में जाएं या फिर लंगर पे पहले रुके। अब ये देखो कि तुम अच्छे कपड़े वपड़े पहन के अच्छी गाड़ी में यार तू रोके पर लेकिन भाई अंदर से तो वही है ना गली च। मम्मी नहीं है, मम्मी अच्छी है, मम्मी सोफिस्टिकेटेड है, मम्मी के लिए कोई कुछ नहीं। मैं तो गली च ही हूँ ना, मैं तो लग जाऊंगा लंगर। तो यार अभी जो फंक्शन हो रहा था तो मैंने मम्मी को फंक्शन पे छोड़ दिया। तो एक क्या काम हुआ कि ना जब सफाई करने आई थी ना मम्मी तो ना चाबी यहीं पे भूल गई। तो मैं मतलब और फंक्शन भी यहीं पे ही था जिस जगह पे दूसरा घर है। तो अब वहाँ पे हम मैं चाबी लेने जा रहा हूँ फंक्शन में। यार किसी का बेबी हुआ था मामा वगैरह का, मामा का, तो उनके फंक्शन में। तो फिर वहाँ पे मम्मी को छोड़ दिया। तो मैं जा रहा हूँ, पैदल जा रहा हूँ। गाड़ी में जाने का मेरे को फ़ायदा नहीं लगा क्योंकि गलियों में जाना था, गलियों में तो घंटा लग जाता है, फंसे रह जाते हैं, थक गया यार। चलो ठीक है चाबी लेता हूँ फिर मम्मी को उठा के घरे होते हैं फिर देखते क्या करना। तो यार गुरुद्वारे आ गया मत्था टेकने मम्मी के साथ, गुरुद्वारे मत्था टेकता हूँ। यार मैं घर आके सो गया था, दो मिनट पंखा बंद कर देता हूँ, सो गया था। अब मैं उठाऊँ, अब मैं जा रहा हूँ निकरमी थोड़ी बियर्ड ट्रिम करवाने और कटिंग करवाने, बाल ज़्यादा बड़े हो गए ना यार, वो साइड से ना थोड़े छोटे रहने चाहिए थे तो बट थोड़े बड़े लग रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कटिंग करवा लेता हूँ, सही लगेगा। इस ब्लॉग को यार यहीं ख़त्म करता हूँ। दाढ़ी भी बनवाया, कटिंग भी करवाया, बाल बहुत ज़्यादा बड़े हो रखे थे मतलब सेट करवा के आ गया बाल, अब नहीं करवाऊँगा छोटे बाल। तो यार अब मैं ब्लॉग्स अब आते रहेंगे, बोले जाने मैंने सुन रहे हो, अस्पताल में था मैं। चलो ओके बाय, लव यू ऑल।